I don't know how many times I've stood and I've spoken on this kind of an atyachar. I think it's time, whether it's Nirbhaya, whether it's Kathua, or whether whatever happened in Hyderabad, I think the people now want the government to give a proper answer and a very definite answer. What has happened, how they have tackled it, and how far the justice has been done to these people. Sir, मुझे ये लगता है कि ये जो घटना हैदराबाद में हुई उसके पहले दिन भी उसी जगह एक हादसा हुआ. क्या वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, आपको भी पता है, do you not think that they should be answered? They should be questioned and they should be asked to give an answer why they were not able to protect that area. जहाँ पहले भी एक चीज एक दिन पहले हादसा हो चुका था. सर, आई थिंक दैट दीज पीपल नीड टू बी शेम्ड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कंट्री. पीपल हु हैव नॉट डन देयर जॉब्स प्रॉपरली, द ऑफ कोर्स द गाइज हु हैव कमिटेड द क्राइम, डेफिनेटली. राइट मैम. अगर ऐसा इस तरह की चीज़ें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है. मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीज काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड प्रॉपर्ली. राइट मां. अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद की जो यह घटना घटित हुई है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता. और अध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सारा देश इस घटना को लेकर संसार हुआ है, सभी आहत हुए हैं. और मैं देख रहा हूं कि सदन में चाहे किसी भी दल से संबंधित हमारे सदस्य हों, सबने इस घटना की जहां भर्त्सना की है, वहीं पर यह भी अपेक्षा की है कि इसमें जो भी अपराधी है उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए. और आप भी जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि जब निर्भया कांड हुआ था तो निर्भया कांड के बाद एक कठोर कानून बना था और लोगों ने उस समय यह मान लिया था कि शायद इस घटनाओं में काफी हद तक कमी आएगी. लेकिन उसके बाद भी उसी प्रकार के जो जघन्य कृत्य हो रहे हैं, तो इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सदन में यदि आप चर्चा कराना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी. सारे सदन की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्राविजन करना होगा, यह सरकार वह प्राविजन करने को तैयार है. लेकिन यह आपके ऊपर अध्यक्ष महोदय निर्भर करता है कि आप चर्चा कराना चाहते हैं, चर्चा कराइए. सुझाव सदन के आने दीजिए. किसी भी सूरत में अध्यक्ष महोदय, सचमुच मैं यह कहना चाहता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि जिन शब्दों के माध्यम से इस घटना की मैं भर्त्सना करूं. हम सभी आहत हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप सारी सभी सदस्यों की भावनाओं से अवगत हुए हैं. आप यह फैसला करें, चर्चा कराना चाहते हो तो चर्चा कराएं, और जिस भी प्रकार का कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी, हम उस प्रकार का कानून बनाने को तैयार हैं.